आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन थिंकर के बारे में चर्चा करेंगे, महात्मा गांधी। इतिहास में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी की लड़ाई में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भी अन्य नेता मिलकर भारतवर्ष को आजाद कराया। शायद आप सभी जानते हो कि भारत में जिस तरह से भारत के सपूत कुर्बानी दी, आज हम सभी उन्हें याद करते हैं और 15 अगस्त आने वाला है, उनके लिए लोग श्रद्धा करते हैं। क्या बता सकते हैं कि गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या कहा? जैसा कि तो ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप बताइए। हाँ, तो जैसा कि अच्छा बताई, गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बतलाया था कि बालक और मनुष्य का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब मन, आत्मा और शरीर का विकास, तभी मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्होंने शिक्षा के बारे में यही बताया था। और जिस तरह से भारतवर्ष वर्षों पहले अंग्रेज का गुलाम था, उन्होंने स्थान पर बैठक की, भारत के लोगों को एकत्रित किया, कभी कलकत्ता में, कभी दिल्ली में, और इस तरह से संगठन बनाकर भारतवर्ष को उन्होंने आजाद कराया। इसलिए आज हम सभी उनको याद करते हैं। एक प्रश्न उठता है कि जब गांधी जी ने भारतवर्ष को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आखिर उन्हें नाथुराम गोडसे ने क्यों माना? आप लोग भी सुने होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, चर्चाएं भी हुई होंगी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कदम उठाया कि उन्हें गोली मारना पड़ा?
जैसा कि तुमने बताया कि समाज का निरीक्षण करना चाहते थे और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना था, उसमें भी राजनीति हुई और फिर दो गुट बन गए। एक गुट सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाना चाहे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि वो दूसरे जैसे कि जो डिवीजन हुआ पाकिस्तान के फेवर में ही वो ज्यादा सोचते थे, इस वजह से नाथुराम गोडसे को लगा कि फिर हमारा भारतवर्ष उसी तरह हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक सोच बनाई और उनको मान लिया। गांधी जी का फिर भी कहा जा सकता है कि गांधी जी का भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा योगदान था। वो हमेशा सत्य पर चलते थे और उनका कहना था कि हमेशा सत्य पर चलना चाहिए और किसी जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए, अहिंसा पर चलते। अहिंसा का मतलब क्या होता है, जोर से बोलिए। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? नहीं, तो मतलब हुआ ना, गलत है, आप बताइए अहिंसा का मतलब क्या होता है? गांधी जी का भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा। इतना ही
कोई फायदा नहीं है।